नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां एक तरफ ऑपरेशन तेज है, वहीं उत्तराखंड के चमोली में जो 7 फरवरी को सैलाब आया, उसमें अब तक 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 166 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला प्रशासन की देखरेख में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नेवी के साथ साथ वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। साथ ही ऋषि गंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन अलर्ट पर है और अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से जारी करते हुए नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। अब ऐसे में जहां एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का सब्र अब टूटने लगा है। लोग अब आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, पिछले कई दिनों से 7 फरवरी को जिस तरीके से यहाँ सैलाब आया, प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड के चमोली में तपोवन और रैनी गांव के लोग प्रभावित हैं। करीब 206 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसमें से अभी कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं जो लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल लाल जी टीवी 100 पर आपका। राहुल लाल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, इतना लंबा वक्त बीत चुका है, राहत बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है, फिर भी लोगों का आक्रोशित होना, लोगों के सब्र का बांध टूटना, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, राहत बचाव कार्य काफी तेजी से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के जो नियम है, जिनको लेके 2005 में आपदा प्रबंधन कानून देश में लागू है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, उस पर जिस तरह से लागू नहीं किया गया, देखिए लोगों का आक्रोश आना स्वाभाविक है। वो इसलिए आ रहा है कि काफी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा होता जा रहा है। जिनके लोग अंदर परिजन फंसे हुए हैं, उनकी अब उनके धैर्य जो है कि वो जवाब दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं और अगर लंबी अवधि हो जाएगी तो जो अंदर सुरंग में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें खाना पानी रसद क्या स्थिति है, नहीं है, स्पष्ट है कि वो भूखे ही होंगे, तो उनके जैसे जैसे समय लंबी होते जा रही है, वैसे वैसे अंदर के लोगों के बचने की संभावनाएं घटती चली जा रही है। तो ये अगर उनके परिजनों के दृष्टि से देखे तो उनके लिए काफी ये पल जो है एक एक सेकेंड काफी कीमती है। ठीक है कि हम लोग प्रयास अपने स्तर से पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी स्थितियां हैं, इस स्थितियों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं कि पहले सही अगर हम लोग आपदा प्रबंधन की चीज कर दी गई है, तो ये सब चीजें इस वाले आपदा के पहले भी अगर इसी तरह की स्थितियां होती तो कम से कम चलिए इन प्रोजेक्ट को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो सारे लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो लोग अलग अलग जगहों पे फंसे, उन सबों को तो जरूर जो है कि वो लोग निकल जाते वहां से, फिर ये संकट की स्थिति नहीं आती। दूसरी चीज की देखिए, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो है कि ऐसा नहीं कि अचानक से जो है कि यहाँ पे संकट खड़ा उत्पन्न हुआ है। ये जब से ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जब बन रहा था, तब भी वहां के स्थानीय लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया था कि ये नहीं बनना चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरह से कहीं कहीं जो वहां के सामान्य लोग थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के लोग पर्यावरण को लेके काफी ज्यादा संवेदनशील हैं, वो अपने निजी जिंदगी में अपने निजी अनुभवों से वो पर्यावरण को समझते हैं, और विशेषकर जहाँ पे ये घटनाक्रम घटा है, ये तो चिपको आंदोलन वाला जनक वाला जगह है रैनी गांव, जिसने की पूरी दुनिया को एक तरह से आकर्षित किया था, प्रकृति के साथ मिलकर तादात्म्य स्थापित करने का एक संदेश दिया था जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पे था पूजा जी। लेकिन चिपको आंदोलन का आपने जिक्र किया, वो ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक आंदोलन, जन आंदोलन बन चुका था, वो देखा गया, एक वो दौर भी देखा गया। लेकिन जिस तरीके से अभी एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से जब परिजन वहां पर आक्रोशित होंगे, गुस्सा जाहिर करेंगे, फिर ये दोहरी चुनौती नहीं हो जाएगी प्रशासन के सामने, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है? नहीं देखिए, चुनौती दोहरी जरूर होगी,
उन लोगों को भी संयम से काम लेना चाहिए और कहीं कहीं बहुत अच्छे से सहानुभूति के साथ उन लोगों को परिजनों को समझाया जाने की जरूरत है कि उनको समझाया जाए। लेकिन आक्रोश लोगों का इसलिए है कि देखिए ये वो स्थितियां हैं कि जब डे वन से लोग जो है कि वहां पे उस गांव के लोग या स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे जी। इसमें देखिए सत्ताएं पूजा जी सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं। ये इसका विरोध प्रदर्शन जब ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट लग रहा था तब सोचिए कि उस समय केंद्र में जो है कि वो यूपीए की सरकार होती थी मनमोहन सिंह की सरकार होती थी उस जमाने में लोग विरोध कर रहे थे तब भी और अभी भी देखिए जब अभी केंद्र में जो और राज्य में भी जो है कि वो बीजेपी शासित सरकारें चल रही है अभी भी स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और विकास के नाम पे काफी भारी संख्या में इस तरह के पावर प्रोजेक्ट को अभी भी मंजूरी दी जा रही है। जबकि आप किसी भी पर्यावरणविद से पूछ लीजिए कि हिमालय कितना संवेदनशील है लेकिन लोगों के आक्रोश के कारण नहीं है सब कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिल्ली में बैठकर या फिर देहरादून में बैठकर जो पॉलिसी को तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं स्थानीय पर्यावरण की जो स्थितियां हैं पर्यावरण को लेकर जो संवेदनशील स्थिति है ये उसको वो नजरअंदाज कर जाते हैं। जिसको तो राहुल लाल जी क्या ये माना जाए कि जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था वो भी एक बड़ी वजह है जो ये सैलाब आया है जो ग्लेशियर टूटा है? नहीं देखिए इसमें कोई इस ग्लेशियर टूटने के देखिए अगर अब तो काफी कुछ व्याख्याएं सामने में आनी शुरू हो चुकी हैं। आप इस तरह का पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं देखिए विस्फोटकों का प्रयोग होता है आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो चाहे वो सड़कों को आप बहुत चौड़ी करते हैं तो उसके लिए भी आप विस्फोटकों का प्रयोग करते हैं। हिमालय एक नए प्रकार का उसको हम लोग नवीन वो एक तरह से मोड़दार पर्वतमाला कहते हैं वो अभी विकास के क्रम में है अभी उसका विकास हो रहा है उसकी चट्टाने ठोस नहीं है। मान लीजिए कि जो आप झारखंड चले जाइए या पश्चिमी घाट चले जाइए अगर हम लोग अगर महाराष्ट्र वगैरह के या वो जो पश्चिमी घाट का हमारा पूरा क्षेत्र है वहां जाते हैं तो वो चट्टाने काफी कठोर है वो तो उसमें भूस्खलन की संभावनाएं नहीं होती है वो लेकिन जब आप यहाँ पर विस्फोट करते हैं पहले से चट्टाने काफी कमजोर है भरभरी किस्म की है वो उसमें कई दरारें आ जाती हैं। तो देखिए जब उस तरह की दरारें आएंगी तो वो हिम जो ग्लेशियर का जो वो टूटा बड़ा सा वो उसमें भी दरारें जरूर आई होंगी। अब तो सारे पर्यावरणविद इसको मानते हैं तो आपको तो क्या जब ये पावर प्रोजेक्ट बनाए जाने की तैयारी चल रही थी जब सिफारिशें की जा रही थी तो क्या पर्यावरणविदों से इसके बारे में सलाह नहीं लिया गया था ये समझा जाए क्योंकि ऐसे जब संवेदनशील इलाके हो तो वहां पर तो सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि पहले पर्यावरणविद से और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनसे सलाह ली जाए कि क्या कुछ हो सकता है क्योंकि जहां पर जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई भी स्थिति को नहीं बता सकता। देखिए इस पूरे मामले पर सरकारी नीति भी पहले से ही था कि देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो पूरा का हिस्सा है वो जो ग्लेशियर का हिस्सा है उसको काफी संवेदनशील माना ही जाता था वहां पे इस तरह का निर्माण होना नहीं चाहिए था। स्थानीय लोगों ने भी विरोध दर्ज कराया और पर्यावरणविदों ने भी विरोध दर्ज कराया था यहाँ तक कि जब ये बन रहा था देखिए 2007 से जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ उसके बाद भी इसमें कई बार जो है कि इसमें हादसे हो चुके हैं। इसके पहले भी एक बार मजदूर मारे गए थे 2013 में भी एक बार हादसा इसमें हुआ कि ऊपर से भूस्खलन की स्थिति आई तो एक चट्टान जो है कि उस समय जो इसके मालिक हुआ करते थे लुधियाना के उस मालिक की मृत्यु हो गई थी। देखिए संकेत प्रकृति कितना बार बार दे रही थी लेकिन फिर भी एक गलत प्रोजेक्ट मतलब प्रकृति की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी लेकिन फिर भी इस चेतावनी को लोगों ने जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती। नहीं इस प्रोजेक्ट से तो नहीं बरती और देखिए ये प्रोजेक्ट देखिए चाहे वो हम लोग का हिमाचल प्रदेश हो उत्तराखंड हो जो भी हिमालय वाला पूरा क्षेत्र है अब तो बिल्कुल स्पष्ट है 2013 के केदारनाथ त्रासदी के बाद स्थितियां और भी स्पष्ट थी कि वो केदारनाथ त्रासदी भी हम लोग को प्रथम दृष्टया जरूर हम लोग उसको प्राकृतिक आपदा कह दें लेकिन वो भी मामला एक तरह से प्रकृति में मानवों का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है। देखिए गांधी जी का एक बयान गांधी जी का जो एक वक्तव्य है वो सूत्र वक्तव्य है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रकृति हमारे आवश्यकता को पूरा कर सकती है प्रकृति हमारे लोभ को पूरा नहीं कर सकती। अगर हम लोग लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे बिल्कुल लालची और स्वार्थी रूप में तो फिर उसकी पूर्ति प्रकृति नहीं कर सकती। जो हिमालय के पहाड़ हैं ये बिल्कुल संवेदनशील है यहाँ पे आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे चीजों से वो भी ग्लेशियर के क्षेत्र में आपको बचना चाहिए। वहां पे आप ग्लेशियर में ही पावर प्रोजेक्ट लगा दें ये तो फिर बिल्कुल ही एक गंभीरता वाली बात हो जाती है। ठीक है इसी बीच एनवायरमेंट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी नमस्कार।
सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो ये ग्लेशियर टूटा है, आपके हिसाब से इसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि 38 जिंदगियां इसमें जा चुकी हैं और अभी भी कई लोग लापता हैं। ऐसे जब प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, इस तरीके की आती हैं, तो क्या इसके लिए पहले से चेतावनी जारी की जाती है और उन चेतावनी पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया गया है? पहली बात तो ये है कि जो ये हादसा हुआ है, ये हिमालय में इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है, जो जैसे एवलांच का आना या हिमस्खलन, ग्लेशियर का टूटना या लैंडस्लाइड होना। तो ये जो घटना जिसके बारे में हमारे कुछ वैज्ञानिक साथी, उन्होंने बताया कि ये जो रोंठी रोंठी धार है उसी इलाके से ये शुरू हुई है और वहां पर तीन चार तारीख को वहां बर्फ गिरी थी और वो हल्की बर्फ थी, तो पांच तारीख से धूप आ गई थी तो हल्की हल्की वो पिघलनी शुरू हुई। और वहां का जो भूगोल है, वहां की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्की मिट्टी है, तो वो बर्फ जल्दी रिस गई थी, तो उसके साथ मिट्टी और वो उनका एक जो वो है वो खिसकना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे वो पांच तारीख से, वो उनका जो मानना है वैज्ञानिक साथियों का कि वो पांच तारीख से इस तरह की घटना शुरू हुई और वो धीरे धीरे मिट्टी पानी के साथ नीचे आया, फिर एक छोटी सी उन्होंने लेक जैसी बनाई, फिर उसके बाद और नीचे आया, फिर उसकी बाहर वहन क्षमता जितनी थी उसके बाद वो भी निकली और वो फिर नीचे गई। तो इस तरह से वो काफी लंबा वो हुआ, तो नीचे वो फिर ब्लॉक उसमें ऋषिगंगा में पहुंची, ऐसा उनका कहना। तो हमारा तो ये कहना है कि इस तरह की घटना है तो हिमालय में होती रहती है, वो उसके स्वभाव में, लेकिन उस घटना का आपदा का रूप होना वो हमारे जो मानवीय कारण है उनके कारण वो आपदा के रूप ले लेती है। अब जैसे ऋषिगंगा में जो पावर प्रोजेक्ट था उसको लेकर के भी वो दो बार पहले भी उसमें इस तरह के हादसे हो चुके थे, उसके बाद भी वो नहीं संभले। और तो एक बड़ा कारण जो यहाँ पर अभी जैसे 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए, उसमें से 38 लोग के शव मिल चुके हैं, तो वो जो लोग मारे गए हैं वो निश्चित रूप से हमारे जो असावधानियां हैं, हमने बिना ज्ञान के, बिना हिमालय को समझे हुए, न खास करके ऋषिगंगा वैली को, जो हमारा नंदा देवी वाइल्ड रिजर्व का कोर जोन है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क का एरिया है 628 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके बारे में हमारी कोई समझ ही नहीं है। वहां पर एक दर्जन से ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जो 5000 फीट से ऊंची है और उनमें सबसे ऊंची चोटी हमारी नंदा देवी है, तो वहां का अपना अलग ही इकोसिस्टम है। तो उस इकोसिस्टम को समझे, उस नदी के चरित्र को समझे बिना हम बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहां नीचे बना, अगर हमारे पास ज्ञान है तब तो बेशक हम बड़ी क्या उससे भी बड़ी परियोजनाएं बना, लेकिन पहले हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहाँ किस किस तरह के संकट है और उन संकटों के निवारण के लिए हमारे पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं या क्या क्या व्यवस्थाएं की। लेकिन हम जहां तक जानते हैं तो जो इस घटना के बाद और केदारनाथ की घटना, केदारनाथ की घटना थोड़ा दूसरे एंगल में थी, ये दूसरे एंगल में, तो इस घटना के बाद के सबक न तो हमारी कोई तैयारी थी इसको लेकर के, इतने वार्निंग देने के बाद भी मैंने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को 3 बार क्षति पहुंची है, ये 3री बार है वो पूरा निस्तनाबूद हो गया। उसमें एक बार पहले उनके जो एमडी थे वही एक्सीडेंट में, तो हमें सबसे पहले हम परियोजनाओं पर बात करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में ये परियोजनाएं बन रही है उसके बारे में हमारा ज्ञान कितना है और ज्ञान के हिसाब से क्या आखिर विशेषज्ञों से इस बारे में जानकारी क्यों नहीं ली जाती? पहले इस तरीके के पावर प्रोजेक्ट तैयार कर लिए जाते हैं और वहां पर परियोजनाओं में क्रियान्वयन भी शुरू हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों से सलाह क्यों नहीं ली जाती? क्या माना जाए कि जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर प्रकृति इस तरीके से अब जवाब दे रही है, एक बड़ी लापरवाही, यानी कि जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है 5 फरवरी से वहां पर पिघलना शुरू हुआ ग्लेशियर, यानी कि 48 घंटे का वक्त था तो वहां पर स्थिति को संभाला जा सकता था, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही मानी जाए प्रकाश जी? नहीं, इसमें हमारा ये कहना ना कि हमारे पास उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है और जो ज्ञान भी है वो जो उसके उपयोग करता है उन तक पहुंचाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि परियोजनाएं जरूर बने लेकिन अगर ज्ञान के साथ बने ना, ताकि नुकसान कम से कम हो, क्योंकि हिमालय के बारे में एक चीज तो पता है कि वहां इस तरह की घटनाएं होती रहेगी और ये खास करके नंदा देवी नेशनल पार्क वाला जो एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसके बारे में मोटी मोटी हमें जानकारी है, लेकिन उन परियोजनाओं पर, इन कार्यक्रमों पर उनका क्या असर पड़ेगा इसका हमारे पास कोई अनुभव नहीं। और जिन लोगों के पास वो ज्ञान है उन लोगों का ज्ञान का, चाहे वैज्ञानिक, हम कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने पहले काफी पहले से चेतावनी दे रहे हैं और समझा रहे हैं,
और उसको और ज्यादा किया जाना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान है वो उपयोगकर्ताओं तक उसकी पहुंच नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। जी राहुल, हमारे वो जैसा कि अभी प्रकाश जी ने बताया है कि वहां पर ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये वाकई में अगर आप किसी संवेदनशील इलाके में, अगर हम नॉर्मली अगर बात करें चुनाव की, जब कहीं पे संवेदनशील इलाका होता है तो वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी जाती है तमाम पुलिस कर्मियों की, कि किसी तरीके की अनहोनी ना हो जाए। फिर हम जब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा संवेदनशील इलाका जहां पर कई बार आपदाएं आ चुकी है, उत्तराखंड में इस तरीके की कई घटनाएं सामने हो चुकी है, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे देखा जाए इसे, कि एक तरह से जानबूझ के उन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल जानबूझ के है कि कहीं कहीं जो घटनाक्रम 5 से लेके 7 फरवरी तक का हम लोग देखे 48 घंटे का समय भी था, उस समय का हम लोगों ने प्रयोग क्या किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे व्यवस्थाओं का क्या प्रयोग किया। देखिये, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो एक तरह से जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नेचर को काफी समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के ग्लेशियर हैं, वहां पे जो ग्लेशियर की प्रवृत्ति है वो अलग है, वो अपने साथ मलबा नहीं ढोती है, जो पूरा संरचना है वहां का वो थोड़े हल्के प्रकृति की होती है, लेकिन जो पूरा नंदा देवी वाला हिस्सा है ये अपने साथ जब ग्लेशियर होता है तो ये अपने साथ, चूंकि यहाँ पे चट्टान थोड़ी और ढीली है, ये अपने साथ भारी गाद भी लेके चलती है वो ग्लेशियर जो है। देखिए, स्पष्ट है कि वो अपने साथ जितने और चीजों को लेके चलेगी उसकी मारक क्षमता उतनी मजबूत होगी। तो ये बहुत ही इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या नेचर है, क्या प्रकृति और कितनी संवेदनशीलता है उसकी। प्रकृति आपको बार बार संकेत देती है, आपको उन संकेतों को समझना पड़ेगा। 2013 का जो केदारनाथ त्रासदी थी उसने भी संकेत दिया था कि मानवीय हस्तक्षेप किस तरह से होने चाहिए, और आपने किस तरह से लोभ और लालच में उन मानवीय हस्तक्षेपों की पराकाष्ठा को पार कर दिया। जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था कि आप देखिए, जब हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग ऊपर सामान्य रूप से, तो आप जो विष्णु गंगा है वही काफी एक संवेदनशील सा जगह नजर आता है। आप सोचिए, वहां पे धौली गंगा को हम लोग देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। अब धौली गंगा की सहायक ऋषि गंगा, और ऋषि गंगा बिल्कुल एक आप कह लीजिए कि ग्लेशियर के मुहाने पर ही ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ग्लेशियर काफी संवेदनशील होते ही है, ऊपर इतनी बड़ी ऊंची चोटियां हैं वहां, तो उसका क्या आगे क्या स्थितियां बनेंगी नहीं बनेंगी, जब तक आप इसका पूरा रिसर्च और अध्ययन नहीं हो। लेकिन काफी सारे वैज्ञानिक हैं जो इसके ऊपर काफी गहन अध्ययन और शोध कर रहे हैं, और उन लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तब भी इसका विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। तो ये सही कह रहे थे अभी कि जो वैज्ञानिक है उनकी बातों को नीति निर्माताओं को मानना पड़ेगा, उसके पास एक पुल बनाना पड़ेगा कि जो रिसर्चर है इस तरह के और जो सरकार है वो उस बीच में कहां पे वो चूक हो जाती है, संवादहीनता की स्थिति कैसे आ जाती है। ठीक है, ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से केदारनाथ में जब आपदा आई थी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर उससे क्या सबक लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिसाब से आज भी सबसे पहले सबक लेना चाहिएगा उन भुक्तभोगियों को, खास करके अगर हम केदारनाथ की बात करें और हरिद्वार तक, तो उस हमारे पास रिवर फ्रंट का को लेकर के भी कानून है, सारी चीजें हैं। तो जो यूजर्स हैं, जिन पर वो आपदा जो पीड़ित थे, उनको भी देख रहे हैं हम कि फिर उसी तरह से वो कंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव नहीं आया केदारनाथ की आपदा के बाद, जैसे कि होना चाहिए था। नदी ने अपना जितना दायरा था उस दायरे से को लेने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हमने क्या सीखा, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आखिर उस आपदा से कितनी सतर्कता सरकार और प्रशासन के बीच आई है कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना घटें, इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो, उसको लेकर कितने तैयार हैं हम। इस बार हम तो एकदम अपने उत्तराखंड सरकार को और खास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि पहली बार मुझे भी ये 40 साल हो गए इस कार्यक्रम में, आपदा राहत और इन कार्यक्रमों में शामिल होते हुए, तो पहली बार 2 घंटे के भीतर हमारा जो रेस्क्यू टीम थी वो तपोवन में पहुंच गई थी। जी। ऐसा शायद उत्तराखंड के हमारे देश उत्तराखंड में तो पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच गए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंच गई थी, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई थी, और जो संभव हो सकता था उन लोगों ने किया और अभी भी दिख रहा है वहां पर आपदा प्रबंधन को लेकर के और रेस्क्यू मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही बेहतरीन प्रयास आज तक के हुए हैं। अब कुछ कमियां हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है बाद वाला जो रेस्क्यू का, वो इस बार बहुत ही बेहतरीन, और अभी तक भी जो हम देख रहे हैं
बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हो पूरा, क्योंकि इस बार की आपदा में दो चीजें ही प्रभावित हुई, एक तो जो हमारी दो कंपनियों में मुख्य रूप से, एक तो जो इन दो कंपनियों में जो लोग काम कर रहे थे या जो उससे जुड़े हुए थे वो लोग लापता हुए, और दूसरा जो ऋषि गंगा में रैणी से लेकर के और विष्णुप्रयाग तक उस बीच 10 किलोमीटर का नदी का जौली गंगा और ऋषि गंगा का जो रनवे है उसमें नुकसान हुआ, और उसमें नुकसान ये हुआ कि वहां के जो आवागमन का जो पुल है वो एक तो मैं मुख्य पुल बंद हो गया और गांवों को जोड़ने वाले पुल बंद हो गए, तो हमारे 13 गांव वहां बाधित हो गए। तो जो रेस्क्यू मैनेजमेंट था वो बहुत ही पहले दिन से ही उन लोगों ने वहां उन प्रभावित गांव में किस तरह की समस्या आ सकती थी उसका आकलन करके और वहां पर सामग्री पहुंचा रहे, मतलब कई लोगों को आंदोलन कर जो प्रभावित लोग हैं उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैनेजमेंट जो दो लोग हैं वो थोड़ा ये हुआ कि जो पीड़ित लोग हैं उनको शुरू में प्रॉपर सूचना ही नहीं दी गई, अभी भी नहीं दी जा रही, जैसे 204 लोगों के लापता होने की लिस्ट उन्होंने जारी किया तो उसी लिस्ट में उन लोगों को इन कंपनियों के पास उन लोगों के नाम पते सब कुछ होंगे आधार कार्ड, तो किया ये जाना चाहिए था कंपनियों को जो एनटीपीसी की सहयोगी कंपनियां जिनके लोग उसमें लापता उनको उनके घर में मैसेज या उनकी सरकार को मैसेज भेज देना चाहिए था उसी दिन या उसके दूसरे तीसरे दिन, और इस जो मैसेज नहीं भेजने के कारण क्या हो रहा जिसने जहां से सुना वो तपोवन पहुंच रहे, तो लोग हजारों लाखों में एक तरफ उनके लोग लापता हुए हैं और दूसरी तरफ हजारों हजार रुपया खर्च करके वो लोग यहां पहुंच रहे हैं और उनको खाली खड़े घूम रहे हैं, मतलब जिला प्रशासन उनकी सूची बना रहा, पर जो कंपनियों को करना चाहिए था यानी कि ये एक बड़ी चूक मानी जाए राहुल लाल जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश जी ने बताया कि पहले जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कई खबरें सामने आई है, हमने भी दिखाया कि किस तरीके से चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या फिर बात की जो है हिमाचल की, वहां के लोगों उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके परिवार के जो सदस्य काम कर रहे हैं वो वहां पर आपदा आई है और इस तरीके से वो लापता हो गए हैं या फिर उनके शव को बरामद किया गया है या वो जिंदा है, उन्हें जानकारी ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, जैसा कि उन्होंने कहा कि देखिए कंपनी के पास पूरी सूची थी, आसानी से वो सूची जारी की जा सकती थी, देखिए वहां पे जो काम करने वाले लोग थे वो कहां पूरे देश भर के अलग अलग हिस्से से लोग थे, दिल्ली से भी हमने देखा, पटना से भी देखा, तो लोग अचानक से घबराहट में सारे लोग पहुंचे, जबकि उनके परिजन हो वो सुरक्षित भी थे कईयों के परिजन, लेकिन वो जिस तरह से आपाधापी में वहां पहुंचे, वहां पे जाके काफी मेहनत किया, पता किया, तो ये इस तरह के सिचुएशन से बचा जा सकता था। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए आपदा प्रबंधन की जब बात करते हैं तो देखिए एक तो ये है कि आपदा आने के बाद आप कैसा प्रबंधन कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपदा प्रबंधन का जो मुख्य लेसन है वो लेसन ये है कि आप आपदा का आपदा को आने से पहले किस तरह से उसके बचाव की तैयारी करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सुनामी आने के बाद एक अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनामी को लेके बनाने में हम लोग कामयाब भी रहे और हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों को सूचना भी दी उसकी। हिमालय पे जिस तरह से ग्लेशियर्स की क्या गतिविधियां चल रही हैं, उनके किस तरह से उसको सैटेलाइट से उसका मूल्यांकन किया गया, उसके नीचे में उसका कैसा, अब तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा भी है पूजा जी, तो उन आंकड़ों को लेके आप क्या क्या चीजें चल रही हैं उसको आप शोध रिसर्च जो लोग करते रहे हैं ग्लेशियर से संबंधित चीजें वो उनके साथ मिलके जब सरकार इस तरह की चीजें करती, चूंकि इस तरह के तमाम दावे और वादे केदारनाथ त्रासदी के बाद किए गए थे, तो ऐसे हालत में ये होना चाहिए था कि आपका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूती से काम करना चाहिए था। उस जगह पे अभी भी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से चूक हुई है, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को जब आप, हम लोगों की एक आदत है कि जब एक घटनाक्रम घटे हुए एक लंबी अवधि हो जाती है और उस बीच में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है तो फिर हम लोग पुराने अवस्था में आ जाते हैं, उसको लेके हम लोग उसको जो उन चीजों को जो पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल पाता है। ये सामान्य जनों की भी आदत होती है, जैसा इन्होंने बताया कि जो भुक्त भोगी है केदारनाथ त्रासदी की वो भी अब उसी तरह के बिल्डिंग संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, और सरकारें भी जिस तरह से उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह को लेकर गंभीर थी, इस 48 घंटे के भीतर हम 5 से 7 फरवरी के बीच में जिस तरह से कोई एक सिस्टम तैयार होता वैसा कोई भी सिस्टम भी तैयार होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। तो यानी आपदा के पहले की जो तैयारी होती है पूर्व सूचना की तैयारी उसमें कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पे हम लोग फेल रहे हैं। ओम प्रकाश जी क्या समझा जाए, हमारे पास उपकरणों की कमी है या फिर उस तरीके की जो कि देखिए प्राकृतिक आपदा से निपटा नहीं जा सकता लेकिन कम से कम पता तो लगाया जा सकता है कि स्थितियां किस तरीके की है, पहाड़ों पर क्या गतिविधि चल रही है, इस पर तो नजर रखनी चाहिए। क्या हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम उस पर उन गतिविधियों पर नजर रखें कि इस तरीके की घटनाएं घटने से पहले ही सतर्क हो जाए?
नहीं बिल्कुल, मैं आपको 2013 की केदारनाथ की घटना के बारे में बताऊंगा कि वो ये हमारे हम लोगों ने की मांग पर 2001-2 में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसरो और करीब 19 वैज्ञानिकों के सहयोग से एक मैप तैयार करवाया था, वो जो चार धाम की जो सड़कें हैं उसके किनारे के इलाकों पर हिमाचल प्रदेश और मालपा मानसरोवर, और उसमें उन्होंने जो इसरो ने बहुत ही अच्छा मैप बनाया था कि कहाँ पर ये लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन मैप, वो 2002 में उन्होंने तैयार करके दे दिया था। उसमें पूरा केदारनाथ के बारे में बता रखा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर संकट है और हमें किस तरह के संकट है ना, हमें इन संकटों के लिए कम से कम रिसोर्सेज में कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी ओम प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि हमें चांद पे जाने से पहले जहाँ हम हैं जिस पृथ्वी पर हैं वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियां चल रही है पहले उसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध कर लें कि कम से कम जो लोग रह रहे हैं जिंदगी जहाँ बस रही है उन्हें आसानी से बचाया जा सके, उनकी कम से कम जिंदगी ना जाए, चांद पे हम बाद में भी पहुंच जाएंगे। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वो यूजर्स तक कैसे पहुंचे ये सबसे बड़ी, ये कोऑर्डिनेशन अभी तक नहीं हो पाया है। मैं जो आपको 2013 का वो इसरो की बात कर रहा था कि कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ था और बहुत अच्छे एटलस, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो उसके बाद हमने खुद पहल करके यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और पूरे डिस्ट्रिक्टों के डीएम जो जो इंतजार उनकी भी बैठक कराई थी, उनको भी वो एटलस उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन फिर वहां से जहां जिनको जो यूजर्स है उन तक नहीं पहुंच रहा। संसाधन हमारे पास सब है, हमारे पास फौरी जानकारियां बचाव वाली सारी हैं, चांद पर भी जाना चाहिए, बहुत जरूरी है चांद, लेकिन यहाँ की भी जानकारियां पूरी है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं होती है, बस यही इतनी अगर जानकारी है तो वो अगर कोऑर्डिनेट होती तो आज हमारी ये जाने बच सकती थी, सच में यही कहना जी। क्योंकि देखिए जब इस तरीके की आपदाएं आती हैं, जी राहुल लाल जी आपके पास आ रहे हैं, जब इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो उन परिवारों का क्या दोष है जो काम कर रहे होते हैं जिनके घर के सदस्य, और उन्हें पता चलता है कि जो काम करने गए थे एक्चुअली में वो कहीं और जा चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। देखिए वो तो एक तरह से जो समन्वय अलग अलग सरकार के विभागों के बीच में जो समन्वय नहीं बन पाता है उसके वो भुक्तभोगी हो गए। देखिए जो अभी जब जब ऑपरेशन मून जब इसरो का चल रहा था तब उस समय वहां पे मैं कवर करने के लिए गया भी था चंद्रयान के लिए, तो देखिए उस समय ऑफ द वहां पे मैंने काफी जब इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत की थी तो एक तरह से देखिए अब हम लोग एक तरह से कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति हैं। भारत की स्थिति यह है इसरो की, इतने हमारे हाई जो उसके कैमरे की क्वालिटी लेवल है वो इतना ज्यादा है कि आप काफी उनके जो आप ग्राफिक्स होते हैं वो आप देखेंगे कि वो दूर से, तो इसलिए वो उन सूचनाओं का काफी शानदार है सारी सूचनाएं। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि सूचना संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, चूंकि देखिए वो तस्वीरें लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं, उसका सामान्य रूप से हम लोग वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका विश्लेषण भी कर लिया जाता है, डेटा एनालिसिस भी कर लिया जाता है, तो सारी चीजें हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम उसे कितनी प्राथमिकता में रखते हैं। हमारे प्राथमिकता में हम लोग देख लीजिए कि एक समय ऐसा होता था कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही नहीं निकलते थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि चक्रवात साइक्लोन को लेके जो है कि वो बिल्कुल जमीन पे जब कोऑर्डिनेशन होता है वहां से सूचनाएं आती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है तो हम लोग जान माल के नुकसान को काफी हद तक बचा लिया गया है। आवश्यकता है हिमालयी क्षेत्रों में जिस तरह से साइक्लोन को लेकर सरकार गंभीर हुई उसी प्रकार हिमालयी क्षेत्रों में भी सरकार उसी गंभीर हो, तो उस तरह से हम लोग पूर्वानुमान के आंकड़े यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और उन डेटा का बिल्कुल करके, क्योंकि अगर हम चांद पे जा सकते हैं तो अपनी पृथ्वी जहाँ पर हम रह रहे हैं जहाँ जिंदगी है वहाँ के बारे में कम से कम जानकारी का पता जरूर लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है और अब कितनी और जिंदगियों को बचाया जा सकता है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।